आखिरी सेमेस्टर है एंड अभी मेरे सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं जो कि यूनिट टेस्ट कह सकते हो। आज मेरा सेकेंड यूनिट टेस्ट है। कल मैं इसलिए नहीं ब्लॉक कर पाया था क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। खैर पढ़ा तो मैंने आज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बट या अभी जाते हैं कॉलेज एंड पेपर देते हैं, फिर उसके बाद सीधे जाएंगे जिम। सो या एनी वेज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। टचवुड मैं आज अपने पेपर से 30 मिनट पहले पहुंच गया हूं। मैं आज बहुत खुश हूं कि मैं जल्दी पहुंचा हूं एज कम्पेयर टू अदर डेज, क्योंकि मैं हर बारी लेट पहुंचता कॉलेज। तुम्हारी वीडियो बना के इंटरनेट पे डालूंगा। ये बंदा जिम जाता है गोलगप्पे खा के, ऐसे बन रही है बॉडी। देखिए बीच में आ रहा हूँ मैं बस। सो घर से निकलने से पहले मैंने आज एक केला रख लिया था अपने बैग के अंदर ही, क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरे को ज्यादा से ज्यादा नींद नहीं होगी और घर पे ऑलरेडी पड़े हुए थे इसलिए। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैंने रास्ते में आते आते एक और केला ले लिया। सही है, नाइस। आई थिंक दिस विल बी इनफ टू फ्यूल अप माई वर्कआउट एंड जिम भी इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, खाली खाली है अभी तक तो, पर थोड़ी देर में भर जाएगा। कि टाइम कितना हो रहा है, आज मैं लेट हो गया, अभी 8 बज चुके हैं बिल्कुल। बट या जिम मैं स्किप नहीं कर सकता, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता जिम स्किप करना। सो या अभी ये लेंगे, नॉर्मल कॉफ़ी पियेंगे, वी विल स्टार्ट आवर वर्कआउट। ऑल्सो एक और चीज़, टूडे इज आर बैक एंड रेडल्स, क्योंकि मेरे को अब अपनी बैक की विड्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू मेरी बैक की थिकनेस, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैंने अपनी प्रायोरिटी एक्सरसाइज रोइंग को बना रखा था रादर देन पुल डाउन्स। सो या इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हैव अ गुड विड्थ इन योर बैक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वर्कआउट जो भी है वो पुल डाउन्स या कुछ भी वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट से शुरू करो, बेसिकली पुल डाउन्स। एंड चाहे वो लैट्स हो, चाहे पुलअप्स हो, चाहे कुछ भी हो, वेटेड पुलअप्स हो, मेक श्योर यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर पुलअप्स ओवर योर रोइंग मूवमेंट्स, क्योंकि मेरी बैक में विड्थ थोड़ी सी कम है। सो मैं उस चीज़ को प्रायोरिटी देकर अब से सारे के सारे अपने बैक के पुल डाउन्स या फिर वर्टिकल पुलिंग से शुरू करूँगा। एंड उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मेरे पास, मैं स्विच कर सकता हूँ लैट पुल डाउन्स में, पुलअप्स में, वेटेड पुलअप्स में और सिंगल आर्म लैट पुल डाउन्स के अंदर। सो या ताकि एक वेरिएशन हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोर ना हो। बट या पुल डाउन इज़ पुल डाउन, वर्टिकल पुल्स आर वर्टिकल पुल्स। सो या आई विल मेक इट अ प्रायोरिटी, क्योंकि मेरे को एक अच्छी खासी बड़ी सी विड्थ चाहिए बैक में। आप एक साथ पूरी की पूरी बैक को टारगेट नहीं कर सकते हो। बुरी किस्मत ने साथ दे दिया है एंड हमारा फिर से आज जो माइक है वो डेड हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे किसी से अडैप्टर लिया, क्योंकि केबल तो मेरे पास रहती है बट अब मेरे को एक अडैप्टर भी रखना पड़ेगा माइक के डब्बे के अंदर ही ताकि मैं चार्ज कर सकूँ। बट हाँ, अब इसको 5 से 10 मिनट चार्ज करूँगा, उसके बाद ही अपना वर्कआउट शुरू कर सकता हूँ मैं। अब जब मेरे पास ऑप्शन है, मेरे को अडैप्टर मिल गया, तो फिर मैंने सोचा कि बिना माइक के करने में वाइब नहीं आएगी। सो आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं मैक ग्रिप से लैट पुल डाउन करूँ विदाउट एनी स्टेप्स। It will feel good. Neutral grip. Because neutral grip always feels good. Oh, let's go. मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जब मैं बैक ग्रिप पे परफॉर्म कर रहा हूँ ये रादर दैन स्ट्रेट बार, मैं और ज़्यादा एक्सटेंड कर पा रहा हूँ, बिकॉज उसकी अटैचमेंट ही ऐसी है कि मैं और ज़्यादा एक्सटेंड कर पा रहा हूँ अपना हाथ पूरा ऊपर तक, जिसकी वजह से बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। एंड दैट्स व्हाट ऑल योर मसल्स नीड टू ग्रो, एक अच्छा डीप स्ट्रेच, एक गुड कॉन्ट्रैक्शन और एक बहुत अच्छा मैकेनिकल टेंशन और टाइम अंडर टेंशन, दैट्स इट। तो या 3 सेट्स कर लिए 10-12 रेप्स।
सो जस्ट फॉर अ चेंज, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से बारबेल बेंट ओवर रोज नहीं करी है एंड ये मूवमेंट मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ. जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्टिमल थिंग्स मैंने छोड़ दी थी, लोअर बैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है. सो या स्ट्रैप्स लेकर आता हूँ एंड आई विल स्टार्ट डूइंग दिस. बेसिकली 30 kg ईच साइड है, लेट्स गो. पे हम लोग अपर बैक पे फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. सो ओवर हैंड ग्रिप, यार मैं बाहर ही जा सकता हूँ इसके. और अभी पूरे जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है और ये मेरे को मूवमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसकी, बट स्टिल मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं. बस पुलओवर्स, लास्ट बैक का पुलओवर का एक सेट बचा है, वो लेंगे. देन वी विल फिनिश इट ऑफ विद रेडल्स, दो सेट्स फेस पुल्स के एंड दो सेट्स रिवर्स फ्लाइज के, एंड देन वी विल गो होम. आई एम जस्ट हैप्पी कि मेरे को बस एक केबल स्टेशन फ्री मिल चुका है और मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है अब अपने वर्कआउट्स के लिए. आई एम फ्री. बस दो सेट्स बचे हैं, इसके बाद थोड़ा सा पोज करेंगे नीचे जुम्बा रूम में, खाली अवकाश बस वो भी, एंड देन वी विल जस्ट फाइनली गो होम. मैं बहुत थक गया हूँ पेपर की वजह से, 2 घंटे में से बैठ के लिखा नहीं जाता कुछ भी, बट या करना पड़ेगा, पेपर है, पास होना है. एनीवेज लेट्स गो, सिर्फ दो सेट्स करते हैं देन चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से. मेरे को भूख भी बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि आज ट्यूसडे मैंने सुबह से सिर्फ एक ही मील खा रखी है अपनी, वही सोया चंक्स जो मेरी है. अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी, जाओ मेरे चैनल पे और सोया चंक्स की वाली रेसिपी देखो अभी के अभी. सेल्फ प्रमोशन ऑन पीक. Let's see how it went. How hard was the pump? Let's go. Let's go. तो बस अब अपने स्टेप्स पूरे करते करते हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज ट्यूसडे है एंड ट्यूसडे को हम लोग मंदिर जाते हैं. सो या यहाँ से लाइटिंग अच्छी आ रही है. आज के लिए इतना ही. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, किसी दोस्त के साथ शेयर करो एंड अगर कोई भी बात करनी है तो आ जाओ कमेंट्स में करते हैं. एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो एंड मेरी दूसरी वीडियोज़ भी देखो. बाकी या आज मेरा पेपर था और अभी मेरे 2 पेपर्स और बचे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बना ही लेता हूँ. कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए. अब मिलेंगे कल, टिल देन बी सेफ, कीप लिफ्टिंग एंड लेट्स लिफ्ट स्ट्रॉन्गर टुगेदर. ख्याल रखो, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में जो कि मोस्ट प्रॉबेबली कल आएगा. बाय.